कि भारत 21वीं सेंचुरी की बेस्ट बेट है। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ, इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामिल हुए, फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया और अब आज यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जुटे हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत सुखद संयोग है कि गुजरात की जिस धरती पर श्वेत क्रांति मिल्क रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, जिस धरती पर मधु क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन शहद का काम उसका उदय हुआ, जिस धरती पर सूर्य क्रांति सोलर रिवॉल्यूशन का उदय हुआ, वहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। दुनिया में, जैसा अभी भूपेंद्र भाई ने बताया, क्लाइमेट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने वालों में भी गुजरात बहुत आगे था। जिस समय भारत में सोलर पावर की बहुत चर्चा भी नहीं थी, गुजरात में सैकड़ों मेगावाट के सोलर प्लांट लग रहे थे। साथियों, आपने भी देखा होगा, ये जो वेन्यू है इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा मंदिर। जब दुनिया में क्लाइमेट चैलेंज का विषय उभरा भी नहीं था, तब महात्मा गांधी ने दुनिया को सचेत किया था। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और री इन्वेस्ट कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही साथ उनका संबोधन, और आज कई बड़ी सौगात भी गुजरात को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 5 मिनट में 25 खबरों के जरिए। चेक रिपब्लिक के पूर्वी हिस्से में बाढ़ से प्रभावित हुए बेला नदी का टूटा बांध, कई गांवों को पहुंचा भारी नुकसान। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग, सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग, सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। म्यांमार में यागी तूफान का कहर, कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर, इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत, बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों की संख्या में लोगों का किया जा रहा है विस्थापित। उधर पोलैंड में भी बाढ़ से बुरा हाल, पानी में डूबे नजर आए शहर, ड्रोन तस्वीरें सामने आई, बाढ़ से बड़ी लोगों की परेशानी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्ट्रोनी स्लास की टूटा बांध, सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, पानी के बीच तैरती दिखाई दी गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लूचोलाजी में भी बाढ़ का सितम, पानी में डूबा पूरा शहर, जान बचाने के लिए लोग यहां से भाग रहे हैं। उधर रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर बहता दिखाई दिया पानी, बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। यूपी के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया उत्पात, पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप, मामले की जांच कर रही है पुलिस।
यूपी के चंदौली में भेड़िये ने गांव के लोगों पर किया हमला। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर भेड़िये को मार गिराया। भेड़िये ने बकरी को भी बनाया था निशाना। यूपी के बहराइच में भेड़िये का आतंक जारी। 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया निशाना। इलाज के लिए बच्चे को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के भोपाल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। लोगों ने लगाया रानी कमलापति का अपमान करने का आरोप। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। गुजरात के भावनगर में अस्पताल के अंदर मारपीट हुई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर यूपी के देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिलाओं ने पकड़कर की पिटाई। महिला से चेन लूट कर भाग रही थी महिला आरोपी। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो आया सामने। बच्चे को कपड़े में लपेट कर फरार हो गई महिला। यूपी के झांसी में दो समुदायों के बीच जमकर हुआ विवाद। हंगामा और मारपीट के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर पहुंचकर दिया धरना। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाश ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार की चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। हिमाचल में रील बनाने के चक्कर में महिला की जान पर आई बात। पहाड़ी पर खड़ी होकर बना रही थी रील। लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के देवरिया में दो युवकों को बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर यहां पे जांच शुरू की। इधर यूपी के संभल में तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को कार ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से हालत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद प्रतिनिधि के सामने पुलिसकर्मी ने उतारी वर्दी। वर्दी उतरवाने की धमकी देने के बाद भड़के एसआई विनोद मिश्रा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूल के प्रिंसिपल का पैर दबाते वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के हिंगोली में लड़की से छेड़खानी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया केस न दर्ज करने का आरोप। हंगामे के बाद आरोपी हिरासत में लिया गया। चलिए बात करते हैं कर्नाटक के मंगलुरु की, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट के को लेकर तनाव फैल गया। जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला, जिसके बाद शहर में रैपिड एक्शन